हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष पाल और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी वे में। और आज हम देखेंगे प्रकाश टॉपिक से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक खगोल दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 सेंटीमीटर है तथा इसकी नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अभिदृश्यक ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी होगी। तो देखिए, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू होगा कैपिटल F अपॉन में स्मॉल f, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, ऑब्जेक्टिव की, मतलब ऑब्जेक्टिव की आपको क्या फोकस दूरी, तो इस आपको कैपिटल F निकालना है, मतलब कि F इधर चला जाएगा तो m इंटू एफ हो जाएगा। तो m की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर 10 गुणा 20, तो आ जाएगा आपका 200। क्या आ जाएगा दोस्तों, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ जाएगा आपकी ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक एसआई सिस्टम में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। एसआई सिस्टम में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, वाट, डायोप्टर या ऑप्टर या मीटर। तो यहाँ पे होगा डायोप्टर, ठीक है दोस्तों। आपको पता होगा कि डायोप्टर जो होगी वो लेंस का इकाई होती है एसआई सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नांकित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है, लाल, बैंगनी, हरा और पीला। तो सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य होती है वो लाल की होती है। तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण इसका स्पीड भी ज़्यादा होगी। और जो बैंगनी है, बैंगनी की सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है, इसकी स्पीड कम होती है, अपवर्तनांक इसका सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रोशनी के प्रयुक्त ट्यूबलाइट में होता है फ्लोरोसेंट पदार्थ एवं अक्रिय गैस, एक फिलामेंट परावर्तित पदार्थ एवं पारा वाष्प फ्लोरोसेंट पदार्थ एवं पारा वाष्प, या दो फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ एवं पारा। आंसर होगा दो फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ एवं पारा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जो ट्यूबलाइट होता है वो एक कांच का ट्यूब होता है, उसके अंदर दीवारों पर जो होता है एक फ्लोरोसेंट पदार्थ या मटेरियल चिपका होता है। फ्लोरोसेंट मतलब जो प्रतिदीप्तिशील पदार्थ हो, ठीक है। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस जैसे ऑर्गन के साथ कुछ पारे भर दिए जाते हैं, ठीक। ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड की तह चढ़ी हुई होती है और उस पर क्या तंतु दो लगे होते हैं, ठीक है। अब जब तंतुओं पर धारा प्रभावित होती है तो उनमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जो ट्यूब में भरी गैस का आयनीकरण करते हैं। ट्यूब में उपयोग किए जाने वाला प्रतिदीप्तिशील इस प्रकार लगाया जाता है कि उसमें उत्पन्न प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान श्वेत दिखाई पड़ता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट है, मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण, ठीक है। तो जब हम यूज़ करते हैं वो है उत्तल दर्पण को। अब उत्तली दर्पण क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधे एवं वस्तु से छोटे बनते हैं। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तर जो दर्पण होता है, दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है उसका, इसलिए उसे मोटर वाहनों, बसों और चालक के बगल में पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए लगाया जाता है। तो आपको समझ आएगा कि उत्तल दर्पण हम क्यों लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को ठीक प्रकार से देखने में असमर्थ है। आँख के इस दोष को ठीक करने के लिए लेंस की क्षमता होगी। अब आपको बताना है कि लेंस की क्षमता कितनी होगी और व्यक्ति जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित और 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख पाता। तो आपको पता है लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/V - 1/U = 1/F, ठीक। तो 1/V की वैल्यू 1/2, V2 - 1, और ये तो इन्फिनिटी होगा, शून्य हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/F, ठीक है। तो यहाँ से अपनी F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मीटर, ठीक है। F की वैल्यू 2 मीटर आ गई। तो अब एक फार्मूला होता है, P = 1/F, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, F की वैल्यू क्या लिख देंगे, P = 1/2, मतलब P = आ गया +0.5D, ठीक है, +0.5D। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की कोणीय आवर्धन को बढ़ाया जा सकता है खालिस्तान को बढ़ाकर, लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाकर, ठीक है, या वस्तु की आकृति को बढ़ाकर, लेंस के अपर्चर को बढ़ाकर और लेंस की क्षमता को बढ़ाकर। तो ये आंसर होगा लेंस की क्षमता को बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उन्तोदर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे होगा लेंस और उसके फोकस दूरी के बीच, लेंस और उसके फोकस दूरी के बीच, फोकस पर या फोकस की दुगनी लंबाई पर या अनंतता पर। तो ये होगा फोकस की दुगनी लंबाई पर। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन जो हमारा ये है, इंद्रधनुष में कितना रंग दिखता है, इंद्रधनुष में कितना रंग दिखता है, 7, 10, 12 और 5। तो कितने रंग दिखते हैं दोस्तों, 7 कलर से मिलकर इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति होती है कम होती है, ज़्यादा होती है, एक समान होती है और अनंत होती है। तो ये होती है एक समान। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना कि प्रकाश की तुलना में रेडियो तरंग की गति एक समान होती है। और प्रकाश की गति कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रतिदीप्ति प्रकाश नलिका के विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चाक संयोजित करने का उद्देश्य क्या है, विद्युत स्फूलिंग को रोकना, वोल्टता को बढ़ाना, विद्युत धारा को एक उचित स्तर तक सीमित रखना, पावर फैक्टर को कम करना। तो हमारा जो आंसर होगा, विद्युत धारा को एक उचित स्तर तक सीमित रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोई वस्तु को दर्पण के मध्य 72 डिग्री के कोण पर रखी हुई है, बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या, एक वस्तु है वो जो कि कितना कोण बना है, 72 डिग्री का। तो यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं नंबर, मैंने आपको इससे पहले बनाता है, n बराबर से होगा 360/θ-1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 360/72-1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 और 1 घटा देंगे तो बनने का आंसर आएगा हमारा 4। तीसरा, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या 4। तो ये सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी रेलवे के एग्जाम में भी बहुत बार आ रहा है और आपको कोई भी बड़े एग्जामों में आएगा ये क्वेश्चन। अब वो जमाना गया जब सीधे मतलब आपका थ्योरी क्वेश्चन आते थे, अब न्यूमेरिकल भी आते हैं और सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेसिस आते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ना कि चीज़ों को रटना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो निम्नांकित मेनिस्कस होता है, अवतल, उत्तल, सीधा और इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा हमारा उत्तल। ठीक है दोस्तों, आंसर होगा उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ फोकस दूरी की नेत्रिका के एक हाइजन आईपीस में नेत्रिका तथा फील्ड लेंस के बीच की दूरी होगी, फील्ड लेंस के बीच की दूरी होगी। तो ये होगा 2/3f, f 2f और 3f। तो आंसर होगा 2f। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पदार्थ में वायु के लिए क्रांतिक कोण 30 है, पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, पदार्थ से वायु के लिए क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल का मान 30 डिग्री, पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो फार्मूला होता है अपवर्तनांक का, क्या होता है, μ 1/sin c। और यहाँ पे क्या होगा, 1/ साइन की वैल्यू कितनी आ गई है, साइन की वैल्यू यहाँ पे sin 30। तो 1/ हमारा क्या होगा, 1/1/2। तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा तीसरा 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में तारे झिलमिलाते हैं क्योंकि ये प्रकाश को रुक रुक कर उत्सर्जित करते हैं, तारों का वातावरण प्रकाश को रुक रुक कर अवशोषित करता है, पृथ्वी का वायुमंडल प्रकाश को रुक रुक कर अवशोषित करता है, वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है। तो क्या होगा दोस्तों कि वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो पतले लेंस एक दूसरे के पास रखे हुए हैं, उनके संयोजन की फोकस दूरी है कम फोकस दूरी से कम, अधिक फोकस दूरी से अधिक, फोकस दूरियों के अंक गणितीय औसत के बराबर और फोकस दूरी की ज्यामिति औसत के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा हमारा आंसर होगा कम फोकस दूरी से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद समानता टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते, कारण है सिग्नल का दुर्बल होना, दुर्बल रिसीवर एंटीना, वायु में सिग्नलों का अवशोषण और पृथ्वी की वक्रता। आंसर होगा पृथ्वी की वक्रता। मैंने इससे पहले भी ये क्वेश्चन आपको कराया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की एक बड़े समतल दर्पण से 5 मीटर दूरी पर खड़ी है, वह दर्पण की ओर, ठीक है दोस्तों, वह दर्पण की ओर कितना चले कि वह अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर दूर हो जाए। ऑप्शन है 1 मीटर चले, 2 मीटर चले, 3 मीटर चले और 4 मीटर चले। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु उसके सामने होती है, ठीक है। अगर वस्तु एक सेंटीमीटर सामने है तो पीछे भी जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो 1 सेंटीमीटर बनेगा। अतः वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना यहाँ पे चाहिए, 2 मीटर की दूरी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो 2 मीटर की वस्तु मतलब 2 मीटर की दूरी के लिए क्या चाहिए, जो वस्तु दर्पण के कितने मीटर आगे होना चाहिए, 1 मीटर आगे होना चाहिए। इसलिए लड़की को दर्पण की ओर कितना चलना पड़ेगा, तो कितना चलना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर चलना पड़ेगा, ये 5 मीटर पर खड़ी है और 2 मीटर चलने के लिए इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, तो मतलब यहाँ पर 4। तो जब ये 4 मीटर आगे चलेगी तो ये 1 मीटर दर्पण से आगे होगी और दर्पण में प्रतिबिंब 1 मीटर आगे होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, ठीक है। ऑप्शन है 4th, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अप्रभावी तरंग किससे बनती है, अनुदैर्ध्य तरंग के अध्यारोपण, अनुप्रस्थ तरंग से, समान गति के अध्यारोपित 2 तरंगों से, और समान दिशा में 40 समान आकृति की 2 तरंगों से, या कि विपरीत दिशा में 40 समान आकृति की 2 तरंगों। तो आंसर होगा विपरीत दिशा में 40 समान आकृति की 2 तरंगों से। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तरंगें ध्रुवित नहीं की जा सकती, पोलराइज नहीं की जा सकती, एक्स किरण, प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग और रेडियो तरंग। आंसर होगा ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग को हम पोलराइज नहीं कर सकते, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, हरा काला लाल काला, तो ये दिखाई देगा काला, ठीक है दोस्तों, ये क्या दिखाई देगा, काला। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को कहते हैं, लाल रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों, इसे पराबैंगनी कहते हैं, अवरक्त कहते हैं, या दृश्य प्रकाश कहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसे कहते हैं अवरक्त, ठीक है, इसे क्या करेंगे, अवरक्त प्रकाश कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकाश की प्रकृति किसके समान है, मतलब कौन है, एक्स किरण, कैथोड किरण, अल्फा किरण, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये होगी एक्स किरण के जैसी, इसकी प्रकृति किसके कारण कैसी है, एक्स किरण के जैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण ए और परस्पर कोण पर स्थित है, ठीक है, प्रकाश किरण ए पर आपतित होकर परावर्तित होती है तथा बी पर आपतित होकर परावर्तित होती है, किरण आपतन की विपरीत दिशा से बाहर निकलती है, दर्पणों के बीच का कोण का मान होगा, यहाँ पे बताना है कितना होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो ये होगा 90 डिग्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे तालाब की गहराई कम दिखाई देती है, यह निम्न में से किसके कारण होता है, परावर्तन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है, विवर्तन के कारण, उपयुक्त में से किसी के कारण नहीं होता, तो ये होता है अपवर्तन के कारण, ये प्रकाश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है जिसके कारण आपको तालाब की गहराई कम दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है, परावर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण, या विवर्तन के कारण, या ध्रुवीकरण के कारण, तो आंसर होगा दूसरा, व्यतिकरण के कारण। देखिए जल सतह पर तेल की पतली परत व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ती है, तेल की परत के ऊपरी सतह पर निचले सतह से प्रकाश तरंगों के परावर्तन के कारण तेल के ऊपरी सतह पर तरंगे परावर्तित होती है और यह रंगीन दिखाई देती है, तेल का अपवर्तनांक पानी के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है जिसके कारण परावर्तन पीछे की ओर घटित होता है, तो आंसर होगा आपका दूसरा, व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट है, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब कैसा होगा, लुप्त हो जाएगा, आकार में घटकर आधा रह जाएगा, उसकी चमक कम हो जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये होगी इसकी चमक कम हो जाएगी। प्रकाशीय फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करता है, अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, आकाश
इसके कारण नीला दिखाई देता है, रेले प्रकीर्णन, मी प्रकीर्णन, पश्च प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है रेले प्रकीर्णन। देखिए दोस्तों, ऐसा क्यों है कि लॉर्ड रेले के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, और जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक, तथा सबसे अधिक तरंग के प्रकाश के रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तब सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग जिसका अनुदय सबसे कम होता है इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक, और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाले लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश जो वायुमंडल के विभिन्न रंगों का मिश्रण है वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं, धूल एवं धूल के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है। दिन के समय जब सूर्य सीधा आकाश में मनुष्य के सिर के ऊपर होता है तो उस समय मनुष्य केवल प्रकीर्णित प्रकाश ही देख पाता है, क्योंकि बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल का सबसे कम होता है। प्रकीर्णन प्रकाश का मिश्रित रंग हल्का नीला होता है, इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना प्रयुक्त की जाती है? मरीचिका का निर्माण, बाइनाकुलर का प्रचालन, इंद्रधनुष का निर्माण, या तारों का टिमटिमाना? तो ये आंसर होगा यहाँ पर इंद्रधनुष का निर्माण। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या होगा? इंद्रधनुष का निर्माण में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित रंगों के तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? नारंगी, जामुनी, पीला और बैंगनी। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो दूसरा होगा, पहला होगा 4 सबसे कम बैंगनी, उससे ज़्यादा नारंगी, फिर उससे ज़्यादा होगा पीला, और उससे भी ज़्यादा होगा हमारा, सॉरी, पहला होगा 4th नंबर का बैंगनी, दूसरा होगा हमारा जामुनी, तीसरा होगा पीला, और सबसे ज़्यादा होगा नारंगी। तो ऑप्शन है सेकंड ये ऑर्डर फॉलो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, और आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।